भाषा में, आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। नवल यादव को कोई यह नहीं कह सकता है, लेकिन फिर भी न आपको नीतीश जी ने मंत्री बनाया न किसी ने मंत्री बनाया, चूंकि नीतीश जी भी जानते थे कि आप विश्वासघाती हैं, आपका पेट में दर्द है, आप हल्के लोग हैं, आप दलाली करने वाले लोग हैं, और कोई भी सरकार दलालों को मंत्री नहीं बनाता है, वह स्वच्छंद आदमी को बनाता है। नीतीश जी ने क्यों नहीं बना दिया था? पार्टी में पूरा कंट्रोल है, पार्टी के मैं ऑथराइज पर्सन हूं, पार्टी में हमारे प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ और देश के नेतृत्व के खिलाफ ये संगठन की पार्टी है, जो बोलेगा उसका हमारी प्रतिवाद, हमारी पार्टी प्रतिवाद करती है, और मैं पार्टी की तरफ से प्रतिवाद करता हूं कि ऐसे लोगों को जो मंत्री बनने के लिए बेचैन है, जिनका अपना चरित्र नहीं है, जो दलाली करते हैं और मंत्रियों को, भाजपा के मंत्रियों को वो चोर कहते हैं, रिश्वतखोर कहते हैं, निश्चित रूप से पार्टी इसको संज्ञान लेगी। संजय जायसवाल से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। संजय जायसवाल जी सक्षम आदमी है और पार्टी को बेहतर तरीके से चलाया है, जनता के प्रति, पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति और नेतृत्व के प्रति इतना सक्षम है कि असल में दिक्कत ज्ञानू जी को यह है कि ये पार्टी संगठन का है, वह व्यक्तिगत आदमी का चमचागिरी करने वाले, तहला तलवा सहलाने वाले लोग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, एक आदमी की पार्टी है नहीं, और संजय जायसवाल तलवा सहलाने किसी को देते नहीं है, पीतदानी उठाने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए छनछनाहट है कि यहाँ तो किसी का हम तलवा सहला नहीं सकते, किसी का दलाली कर नहीं सकते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संजय जायसवाल के खिलाफ बोलते हैं। कहा कि जिस तरफ सत्ता रहती है आप उस तरफ रहते हैं, अगर कल होंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप आरजेडी में चले जाएंगे। उनको कम ज्ञान है, अज्ञानी है, क्योंकि वो दलाली ही उनका प्रॉपर पेशा रहा है। मैं कभी किसी पार्टी को छोड़ता नहीं हूँ। लालू यादव जी ने मुझे नरेंद्र मोदी जी के यह कहने पर कि नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, मैं आरजेडी में था 3 टर्म, लोकप्रिय हैं और हैदराबाद के मीटिंग में इसीलिए इतनी नौजवानों की भीड़ हुई है, लालू यादव ने शोकॉज किया, मैंने जवाब दिया और पार्टी से निकाला, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मैं किसी के पीठ में छुरा भोंक कर मैं नहीं जाता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। उस दिन भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में साफ साफ बोला था, और इस देश का पहला विधायक हम थे जिसको पार्टी से निलंबित किया गया था, और मैंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने स्वीकार किया था भारतीय जनता पार्टी। आपके पास कोई वोट नहीं है, आपके पास कोई वोट नहीं है, हमारे पास वोट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है ना, ज्ञानू के वोट से, ज्ञानू को हैसियत है तो हम बाढ़ में खड़ा होते हैं, ऐसे दलालों को बाढ़ में भी हैसियत नहीं है जो हमारे सामने खड़ा हो सके। हम किसी के वोट पर जीत के नहीं आते हैं, हमारा पार्टी है और हमारा वोट है। कि उनके खिलाफ खड़ा होंगे इनके ज्ञानू जी के सामने? अच्छा, हमारा दिन खराब हो गया कि हम दलालों के खिलाफ खड़ा होंगे? अच्छा, भाजपा हम ऐसे पल मरुआ के खिलाफ खड़ा होंगे? हमको खड़ा होना हो तो हम बिना खड़े हो ले आ रहे हैं क्या? हम खड़ा होके आते हैं और 3 जिला का नेतृत्व करते हैं, इसलिए हमको कोई चुनौती नहीं दे सकता। आपने शिकायत की क्योंकि बीजेपी में केंद्रीय स्तर से सब कुछ तय होता है, पहली बार देखा जा रहा है कि दो भाजपा के नेता ऐसे लड़ रहे हैं। उसमें लड़ने का कोई सवाल नहीं, जो भाजपा के नेतृत्व पर सवाल उठाएगा, जो छींटाकशी करेगा उस पर कार्रवाई होगी और उसका प्रतिवाद होगा। भ्रष्टाचार के आरोप ज्ञानू ने लगाए थे, उसके बाद अब शेष नेतृत्व के साथ आपके ऊपर, क्या उन्हें पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए? भाजपा की खराब हो रही है ये जो निर्णय है, किसको पार्टी में रखना है, किसको निकाल देना है, ये नेतृत्व का काम है। हम किसी के पावर को और किसी के अधिकार को हम चुनौती नहीं दे सकते, इनक्रोच नहीं करते हैं। अध्यक्ष अपना विचार करेंगे कि हमको दलालों को रखना है या दलालों को साइड करना है।